गाइज, इलॉन मस्क का नाम तो हम सबने सुना होगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन्होंने एक ब्रेन चिप्स जो है वो खोज निकाली है और इसके जरिए हमारे ब्रेन में जो थॉट आते हैं वही मशीन को कंट्रोल करेगी। अब देखते हैं गाइज, इलॉन मस्क ने एक ब्रेन मशीन कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, ये लॉन्च की गई थी कंपनी 2016 में और इसके क्लिनिकल ट्रायल जो है वो मंकी और पिग पे सबसे पहले लेके इन्होंने देखे और सक्सेसफुल भी हो गए ऐसा उनका कहना है। अब जो ट्रायल्स होने वाले हैं वो ट्रायल्स होने वाले हैं ह्यूमंस पे। अब इस पे किया क्या जाता है, एक ब्रेन चिप होती है माइक्रोचिप जो आपके ब्रेन में के अंदर जो है वो इंस्टॉल की जाती है और उसके बाद आपको जो थॉट आते हैं उससे ही आप उस मशीन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मान के चलो कि कंप्यूटर है, हमें टाइप करना पड़ता है, तो आप अपने मन में विचार कीजिए, ब्रेन में जो थॉट आएगा कि आप ये टाइप करो वो टाइप करो तो कंप्यूटर वो टाइप कर लेगा। कंप्यूटर को जो आप अपने दिमाग में ख्याल करोगे, देखिए मोबाइल है, मोबाइल से अगर वो कनेक्ट किया जाएगी आपकी ब्रेन की चिप, तो आप थॉट करोगे, सिर्फ सोचोगे कि इसको फ़ोन लगाओ तो आपका फ़ोन जो है उसको फ़ोन लगा देगा। आप जो चाहोगे, यानी फ़ैन है तो आप सिर्फ सोचोगे कि फ़ैन चालू हो जा, अगर उसको कनेक्ट किया आपके चिप को उस फैन से तो फ़ैन चालू होगा, लाइट चालू बंद होगा, ये सिर्फ ब्रेन में आने वाले थॉट से होगा। और उसकी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो ह्यूमन पे अभी इलॉन मस्क की कंपनी जो है वो शुरू करने वाली है। ये नया कंसेप्ट था, शायद आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा।